हेलो एवरीवन, जितनी भी सरकारी, प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर्स की वैकेंसी आती है, सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलता है। कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। भर्ती जो है वो 2023-24 के अंतर्गत निकाली गई है। आयु, वेतन, चयन किस प्रकार रहेगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कोई एग्जाम या कोई फीस नहीं लगेगी। क्लास 6 to 8 यानी TGT के टीचर्स के लिए वैकेंसी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की। उसके बाद जो है PGT में यहाँ पर क्लास 9 से 12 तक को पढ़ाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सभी की वैकेंसी है। तो डिटेल में हम एडवर्टीजमेंट में देखेंगे, मेन वेबसाइट पर जाकर स्कूल की। तो सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो आप जो है बिल्कुल अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है अगर आप मिस करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो जाएगी। क्लास 6 to 8 के लिए यानी TGT के टीचर्स के लिए जो सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले आप देखें हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षिका के लिए है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, केवल महिला ही यहां पर आवेदन कर सकती हैं, पुरुष जो है अभ्यर्थी यहां पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। मैथ की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है, सोशल साइंस की है TGT में, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है 6 से लेकर 8 तक को पढ़ाने के लिए। PGT के टीचर्स यानी 9 से लेकर 12, 9वीं से लेकर 12वीं तक को पढ़ाने के लिए यहां पर जो है भाषा हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान में गणित और भौतिकी, उसके बाद जो है रसायन और जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये सभी जो है पूर्णकालिक शिक्षिका, ठीक है, फुल टाइम टीचर्स की यहाँ पर वैकेंसी है। अभी जो है यहाँ पर आप लोगों का जो वेतन क्या दिया जाएगा, तो वो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर लिखा है, जिसे आप ध्यान दें। शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर पहले होगा, 15,840 प्रतिमाह आपको मिलेंगे। 3 वर्ष तक आप लोगों को यही पेमेंट जो है वो मिलेगी, ठीक है। उसके बाद 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रति माह परिलब्धि में 50% की वृद्धि देय होगी। तो अगर आप जो है अंदाजा लगाएंगे, तो आपकी जो है सैलरी 23,000 तक जो है वो यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है, 3 साल के बाद। तो ये चीज जो है वो आपने समझ ली। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर क्या चाहिए, तो 6 से 8 के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, 50% अंकों के साथ आपके पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और अगर आप TGT के टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट की भी डिग्री है इन सब्जेक्ट में, जिससे भी जो है आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि आप लोगों को जो है अलग और भी जो है वो अंक मिलेंगे। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल मेरिट के आधार पर, अंकों के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद स्नातक के साथ जो है वो आप लोगों के पास जो है BEd होनी चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में। नेक्स्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, आपके पास टेट होना चाहिए, कोई भी टेट हो सकता है, सी टेट हो सकता है, एस टेट हो सकता है, ठीक है, क्लास 6 से 8 तक का। तो यहाँ पर जो है टेट पेपर 2 ये आपका मांगा गया है, ठीक है, सी टेट वाले जो है वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। 9 से 12 तक के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हैं इसमें 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है 9 से 12 के लिए भी जो है यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो स्नातक रखी गई है। नेक्स्ट, चयन में जो है उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अंकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये आपके लिए और भी अच्छी बात है कि 9 से 12 तक में भी जो है यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की जो डिग्री है वो यहाँ पर जो कंपलसरी नहीं की गई है, केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है, और साथ में जो है वो BEd होना चाहिए। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कोई सी टेट या टेट जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो अगर आप ध्यान से जो है वीडियो सुनेंगे, अच्छे से जो है समझेंगे, तो आपके लिए सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सही रहेंगी। यहाँ पर लिखा है चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही जो है योग्य मानी जाएगी। और यहाँ पर जो है पेमेंट किस तरीके से मिलेगा, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। वैकेंसी जो है वो कहाँ की है, तो झारखंड शिक्षा परियोजना हजारीबाग से ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर लिखा है पूर्णतया जो है अस्थायी और अल्पकालीन संविदा के आधार पर, स्टार्टिंग में 3 साल के लिए पूर्णतया अस्थायी और अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य और अर्हताधारी केवल महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक रिक्त पदों के लिए आवेदन दिनांक जो है 21 अक्टूबर के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय, नया समाहरणालय भवन,
ग्राउंड फ्लोर बी 002 हजारीबाग 825301 में आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो है आप लोगों का एड्रेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक जो है वो आप लोगों का एड्रेस ही है। तो आप लोगों को जो है सिंपल पोस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है, स्पीड पोस्ट करनी है या फिर जो है आप लोग पंजीकृत जो रजिस्टर पोस्ट होती है वो आप करें। यहाँ पर जो है एड्रेस आप दोबारा से देख लें। अब वैकेंसी जो है कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी है, तो आप यहाँ पर देख लें कि सभी में यहाँ पर एक एक जो है वो वैकेंसी निकाली गई है। तो आप ये ना सोचें कि एक ही वैकेंसी है तो हम फॉर्म फिल नहीं करें। कई अभ्यर्थी तो ऐसे होते हैं जो एक वैकेंसी को देखकर फॉर्म ही फिल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हर स्टूडेंट ये सोचे कि ये एक जो है वो मैं ही क्यों ना हूँ, तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन संभव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हर जिले से जो है वो वैकेंसी निकाली जाती है। और भी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां पर जो है उम्र की अगर मैं बात कहूं तो न्यूनतम जो है वो 21 वर्ष है और अधिकतम जो है वो 35 वर्ष है, ठीक है। और यहां पर जो है आरक्षण जो है वो झारखंड राज्य के जो अभ्यर्थी हैं फीमेल है अगर अनरिजर्व कैटेगरी की EWS या OBC की, तो यहाँ पर 38 साल है। मैक्सिमम SC ST की है अगर तो 40 साल है। और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी PWBD की तो यहाँ पर 10 साल है। आप यहाँ पर देखें SC ST में जो है वो यहाँ पर मेल अभ्यर्थी को भी जो है यहाँ पर जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कर दिया है, बट यहाँ पर जो बालिका आवासीय विद्यालय है यहाँ पर केवल फीमेल कैंडिडेट ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है ये जो है वो इनकी तरफ से कोई मिस्टेक रही हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है महिला अभ्यर्थी ही जो है फॉर्म फिल कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन जो है यहाँ पर 10 नंबर पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय कटकम दाग एक आवासीय विद्यालय है, रेजिडेंशियल स्कूल है, तो पेमेंट के साथ में सारी सुविधाएं भी आप लोगों को यहाँ पर दी जाती हैं। अतः चयनित अभ्यर्थी को जो है वो विद्यालय में ही रहना अनिवार्य होगा। तो ये जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके बाद जो है नीचे ही आप इसी ही PDF फाइल के नीचे आप देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर फोटो आपको लगानी है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे, और सभी जो है फुल टाइम टीचर्स की ही वैकेंसी है, चाहे आप TGT में अप्लाई करें चाहे आप PGT में अप्लाई करें, ठीक है। और ये एक ही फॉर्म है, 6 to 8 के लिए भी है और 9 से लेकर 12 तक के लिए है। तो आप किसमें एलिजिबल हैं तो आप उसे भरें। अगर आप दो सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं तो आप लोगों को अलग अलग आवेदन करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को इसकी मेन वेबसाइट पर आना है, हजारीबाग और झारखंड सरकार की तरफ से ये वैकेंसी है। इसकी मेन वेबसाइट पर आएंगे hazaribagh.nic.in, नीचे आएंगे आप लोग तो यहाँ पर आप लोगों को व्हाट्स अ न्यू नोटिफिकेशन टेंडर आप लोगों को नजर आएगा। यहाँ पर पहले भी जो है वैकेंसी आ चुकी है, तो अभी जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो है जो वैकेंसी आई थी, तो अभी काउंसलिंग चल रही है और कुछ में जो है इंटरव्यू चल रहा है। बाकी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों को नजर आएगा और यहाँ नीचे लिखा है क्लिक टू डाउनलोड द फुल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इसको आप जो है क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर एंडिंग डेट जो है वो 21 अक्टूबर 2023 है और 3 अक्टूबर से जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो बिल्कुल लेट ना करें। आप लोग 20 अक्टूबर से पहले ही जो है, अगर दूर रहते हैं आप तो उससे पहले ही जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि रजिस्टर पर स्पीड पोस्ट भी अगर आप करते हैं तो 2-3 दिन जो है इन समय तो लग ही जाता है। सिंपल पोस्ट बिल्कुल ना करें। इस पर व्यू पर आप लोग क्लिक करेंगे, ये जो है आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्म सबसे नीचे दिया हुआ है और सबसे ऊपर जो है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसे आप पढ़ लेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, फिर जो है आप लोगों को भेजना है। तो जानकारी जो है वो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि और भी जो वीडियो बनते हैं आपके काम के होंगे, बिल्कुल आप लोगों की जॉब जो है वो जल्द से जल्द लगेगी, तो सूचना आप लोगों को जो है यूट्यूब की तरफ से पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।